मिला तो फिर छह माह के बाद इन छह माह में ये नवाज शरीफ तक रसाई हासिल करने की तगोदो में लगा रहा। और जब वहां से जवाब हुआ तो फिर लौटा बुद्धू घर को, जिन्होंने 22 साल इसकी परवरिश की थी, फिर उनकी तरफ लपका और सहूलतकारी आरफ अलवी और दीगर कुछ लोगों ने की। कोई नतीजा ना निकलने पर फिर सुबह इंकलाब आ गया, और फिर ऐसा इंकलाब आया कि इंडिया के चैनल की आंखों का तारा बन गया। फिर ऐसा इंकलाब आया कि मसूफ कहता है कि जनाब जरदारी और नवाज शरीफ की करप्शन का, उनको करप्ट कहने का मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था, आज फिर यूटर्न ले रहा है, आज फिर यह सफाई दे रहा है कि मैं तो उनको चोर डाकू नहीं कहता, मुझे तो यह बात एस्टेब्लिशमेंट ने कही है। अगर उस वक्त किसी इंडिविजुअल ने, किसी इक्का दुक्का ने इसके कान में कह दिया हो कि ये बयानियां बनाओ चोर डाकू का, तो वो अदारे का बयानिया नहीं था। अगर उस वक्त जनरल पाशा समेत कुछ लोगों की बात तुम मानते थे और उसको कहते थे कि ये अदारे का बयानिया है या अदारे का मौकफ है, तो फिर आज तो अदारे का तर्जमान और जिम्मेदारान ये बात कह रहे हैं साइफर के हवाले से, तो आज क्यों नहीं मानते? आज तो अदारा कह रहा है कि यह खारजा पॉलिसी से इसका खेलने का मकसद पाकिस्तान की सलामती से खेलना है। आज तो एक अदारा नहीं अदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो खलवाड़ इसने किया और अल्लाह और रसूल का नाम लेकर जिस कसरत से इसने झूठ बोला, उसकी मिसाल 75 साल तारीख में नहीं मिलती। फिर वो बात क्यों नहीं मानते? और अगर आज अदारे ये कह रहे हैं कि इसने मईशत से खिलवाड़ किया, इसने लोगों के जज्बात से खेला, आज अदारों में बैठे लोग ये बात कह रहे हैं, जो हम बात करते थे तो हम गद्दार ठहरते थे, हमारे पे गद्दारी के मुकदमे ये बनाता था, ये पंजाब हुकूमत, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, जब मजहब को, मजहब की आड़ में अल्लाह और रसूल का नाम लेकर ये झूठ बोलता था, और जब इस्लामी टच देने की बात करता था, उस पर जब मैंने बात की तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुकदमा मेरे पे बना दिया। आज अदारों में बैठे लोग ये बात कर रहे हैं कि मजहब से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। आज अदारों में बैठे लोग ये बात कर रहे हैं एक करोड़ नौकरी देने की तो दूर की बात, 2 करोड़ मजीद लोगों को बेरोजगार कर दिया, एक छत 50 लाख लोगों को देने की बजाय कई छते लोगों की छीन ली इस शख्स ने अपनी पॉलिसियों की वजह से। और आज अगर ये बात कर रहा है कि मैं मार्च कर रहा हूं, और ये मार्च अगर इस्लामाबाद लेकर जाना चाहता है और इस खूनी मार्च के जरिए, और हमें इल्म में है कि किन किन जगहों पे इन्होंने मनसूबाबंदी की हुई या खून रेजी की, उसमें एक पॉइंट गुजरात भी है, और इस्लामाबाद के चारों तरफ हाउसिंग सोसाइटियों में जिन लोगों की खिदमात ली हुई है, प्रोफेशनल लोगों की, जो पैसा खर्च किया हुआ है, वो क्या हुकूमत वक्त के इल्म में नहीं है? और उसका एक
एग्जाम्पल, एक आपने वो क्या गंडापुर, जो गंडापुरी अमीन अली अमीन, वो शरबत की शीशी वाला शहद वाला, वो दिन को भी शहद पीता है और रात को भी।